नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर झेलकर सरकार बनाने वाले भाजपा के लिए सब कुछ शुभ नहीं चल रहा। एम्बुलेंस विवाद के चलते पहले से ही पार्टी की किरकिरी हो रही थी। अब भाजपा के MLC टुन्ना पांडे ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्विटर पर जारी एक बयान में टुन्ना पांडे ने कहा है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को अपने मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर नीतीश आज सत्ता में राज कर रही हैं। कुमार CM बने हुए हैं। टुन्ना के इस बयान के बाद बिहार BJP में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी ने टुन्ना पांडे को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भाजपा की सहयोगी पार्टी JDU भी टुन्ना के इस बयान से खफा हो गई है। टुन्ना पांडे सिवान के रहने वाले हैं और भाजपा से MLC हैं। उनके भाई बच्चा पांडे बढ़हरिया से राजद विधायक हैं। वैसे यह पहली बार नहीं है जब टुन्ना पांडे ने भाजपा में रहते हुए भी भाजपा की किरकिरी करवाई हो। इससे पहले उन्होंने सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय साहबुद्दीन के उस बयान को सही कहा था, जिसमें उन्होंने नीतीश को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक साहबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य सदन में नहीं जाता, तब तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार अगर चाहते हैं तो साहबुद्दीन के सब को सिवान। हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं। नीतीश कुमार के यहाँ हमारा जन्म हुआ है और नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है। सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे। सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है ऐसा बताइए ना। सुना जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, कहीं अभी तो साहबुद्दीन की तरह लोग प्रेरित नहीं होना चाहते इस बार। नहीं देखिए, साहबुद्दीन साहब का इसी का तो सजा मिल गया। अब हमको भी डर लगने लगा, मुंह से तो निकल गया, सत्य बात तो निकलता है, चटाक दे बात तो स्पष्ट है, झूठ बात बनाया जाता है। सच बात हमारे मुंह से भी एक बार की बात निकल गया कि मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी हैं, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडम्बना और क्या होगा। और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे माननीय पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का, और हम बोल दिए। बोलने के बाद हमको भी ये डर लग रहा है कि भाई ये सच तो हम भी बोल दिए, वो भी बोल दिए थी बात। हम बोले आपको कि हमारे नेता नहीं है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री दूसरा कोई थोड़ी हो सकता है। आपके महागठबंधन के तो नेता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम BJP के हैं। हमारे महागठबंधन कोई मतलब नहीं है। देखिए NDA BJP ये सब अलग अलग पार्टी है। अभी कई अभी लोग पार्टी रोज बनता है, रोज बिछड़ता रहता है। हमको NDA नहीं, हम BJP के नेता हैं, BJP से MLC हैं और हमारा नेता BJP का नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब BJP के मंगल पांडे को भी आप नहीं छोड़ते हैं, सुशील मोदी को भी आप नहीं छोड़ते हैं। देखिए, आप लोग को और जनता को ऐसे ही जनप्रतिनिधि चाहिए। जनता के जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं चाहिए कि जो अपने सीनियर नेता का खाली गुणगान करे।